जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अपने इंडिया में MI का फ़ोन जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, और इस कारण से क्या है कि अभी रिसेंटली MI के फ़ोन में एंड्रॉयड 1 आया, तो बहुत सारे लोग जो है जो नहीं जानते थे, एक्चुअली पहले से ही ये चर्चा का विषय था कि एंड्रॉयड 1 से क्या क्या फ़ायदा है, लेकिन फिर भी जो लोगों को नहीं मालूम था एंड्रॉयड 1 क्या है, उनकी इच्छा होती हुई कि एंड्रॉयड 1 से क्या मतलब बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप हैं और आपके स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 1 रहता है तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या इसका खासियत है और क्यों एंड्रॉयड 1 होना चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट इस वीडियो में बात करूंगा। इसलिए इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके ही फायदे के लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। एंड्रॉयड 1 क्या है वाला? अब आप कहिएगा कि एंड्रॉयड तो समझ में आता है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एंड्रॉयड 1 क्या है? देखिए, एंड्रॉयड 1 एक तरह से कह सकते हैं कि एकदम नीट एंड क्लीन सर्विसेज है जो कि गूगल जो एंड्रॉयड देता है ना। अब ऐसे समझिए इसको, गूगल जब एंड्रॉयड बनाया, मतलब कि बनाता है जितने जो भी वर्जन होता है, तो गूगल के फ़ोन में तो एकदम ओरिजिनल प्योर रहता है, लेकिन इसके बाद जब भी थर्ड पार्टी मतलब कि दूसरी कंपनी को, जैसे कि आपका Xiaomi हो गया, इसके बाद जो है Realme हो गया, मतलब जितने भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं, ये कंपनियां क्या करती है, वहां से एंड्रॉयड को लेती है और इसके बाद उसमें कस्टमाइजेशन करती है, और या तो अपने OS का नाम दे देता है, जैसे कि अगर Xiaomi की बात करते मतलब MI की बात करते तो MIUI मतलब MIUI रहता है ना वर्जन, ऐसा ही रहता है। इसी तरह से सबका अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का कस्टमाइज करके उसका नाम दे दिया है। अगर आप किसी स्मार्टफोन को इस्तेमाल कर रहे थे, अबाउट सेक्शन में जाइएगा और OS के बारे में जानिएगा, तो आपको एंड्रॉयड का वर्जन तो लिखा रहेगा और आप देखते होइएगा कि उसका अपना नाम भी होगा और लिखा रहेगा बेस्ड ऑन एंड्रॉयड वर्जन, ये वो जो भी वर्जन रहेगा वो लिखा रहता है। इससे समझ में आता है कि उसका वो अलग नाम दे दिया है उस कंपनी ने। कैसे दिया? सबसे पहले एंड्रॉयड से लिया, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम प्योर एंड्रॉयड लिया, और इसके बाद उसमें अपने अनुसार क्या क्या कस्टमाइजेशन किया, जैसे मेन्यू, आइकन्स, लेआउट, प्रेजेंट, मतलब कि यूजर इंटरफेस जो है कंप्लीट चेंज कर देता है। Xiaomi की बात करें तो Xiaomi जो है UI तो चेंज करता है, साथ साथ उसमें अपना एडवर्टाइजमेंट ये सब कुछ भी डाल देता है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी डाल देता है। लेकिन जिस स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 1 होगा, मतलब कंप्लीट जो सपोर्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो मिलेगा एंड्रॉयड मतलब गूगल की तरफ से। अब इसमें क्या क्या खासियत होगी अगर एंड्रॉयड 1 होगा, तो सबसे पहला सिक्योरिटी अपडेट। सबसे पहले मतलब कि जब भी सिक्योरिटी अपडेट आता है एंड्रॉयड के लिए या सिक्योरिटी पैच जाते हैं, तो एंड्रॉयड 1 वाले स्मार्टफोन को अपडेट एकदम इंस्टेंटली मिलता है। अपडेट हुआ नहीं कि इनको मिल जाएगा, लेकिन दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले के बीच में जो है, मतलब आपका स्मार्टफोन और एंड्रॉयड के बीच में जो है वो कंपनी अपना जो कस्टमाइजेशन किया, जब तक वो कंपनी अपडेट नहीं देगी तब तक आपको अपडेट नहीं मिलेगी। पहला तो खासियत ये हो गया। चलिए अब दूसरी की बात करते हैं, खासकर MI की बात करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट पहला, दूसरा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन। यार समझ नहीं आता है कि मतलब आप स्क्रॉल करिए, होम स्क्रीन स्क्रॉल करिए, वहाँ पे आपका एप्लीकेशन है, उस फोल्डर में जैसे ही जाते हैं तो कुछ एप्लीकेशन जो डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है और वहाँ पे टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्शन रहता है। अब वो सब एप्लीकेशन इसलिए आता है क्योंकि वो प्रमोशन की को कंपनी कर रही है, तो एक तरह से इसको ब्लॉटवेयर भी कह सकते हैं। जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, जो फालतू का एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड में नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी तीसरे कंपनी का एप्लीकेशन, तब जो है वो चीज़ ब्लॉटवेयर कहलाता है, और ब्लॉटवेयर एंड्रॉयड 1 में नहीं होता है। एंड्रॉयड 1 में सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड मतलब गूगल का जो एप्लीकेशन होगा, जो जी सूट होगा, वही अवेलेबल रहेगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा एक भी एप्लीकेशन नहीं रहेंगे। ये तो बात हो गई सिक्योरिटी अपडेट, और इसके बाद ब्लॉटवेयर की मैं बात करता हूँ। तीसरा यह है कि इसका यूजर इंटरफेस एकदम कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को जो है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कि जिन लोगों को मतलब यूजर इंटरफेस से इंटरेक्शन रहता है तो वो सोचते हैं यार देखने में अच्छा लग रहा है, तो कस्टमाइजेशन OS होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप स्मार्टफोन लेते हैं तो आज के दौर में स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा सेक्रेटरी होते जा रही है, आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेकर हाई लेवल का इन्फॉर्मेशन स्मार्टफोन में रहता है। ऐसे में भैया सिक्योरिटी मायने रखती है, और सिक्योरिटी एकदम नीट एंड क्लीन जब तक गूगल से नहीं लीजिएगा तब तक आपको बढ़िया नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो एंड्रॉयड 1 वाले स्मार्टफोन में एक चीज़ और खासियत देखने को मिला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेडेशन जो है आसानी होता है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन होता है, देखिए एक अपडेट आना वो अलग चीज़ हो जाता है, लेकिन वर्जन अपग्रेड करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो ये देखने को मिला है कि जिन स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 1 का फीचर है, मतलब एंड्रॉयड 1 सपोर्ट वाले हैं, एक तरह से देखिए ऐसे समझिए, ओवरऑल समराइज करें ना,
फ़ोन आपका सपोज एग्जांपल लेते हैं, चाहे आप रियलमी का लीजिए, चाहे आप सोमी का लीजिए, या किसी भी कंपनी का लीजिए, अगर उस फ़ोन में स्मार्टफोन में अगर आपको एंड्रॉयड ऑन फीचर है ना, तो समझिए फ़ोन कंपनी का लेकिन पूरा का पूरा सपोर्ट जो है गूगल के पास है। अब जब गूगल के पास सपोर्ट रहेगा जो कंपनी बनाई है, तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी चीज़ होगी। तो ये ओवरऑल कुछ पॉइंट्स था जिसके बारे में मुझे बताना चाहिए था और आपको जानकारी रखनी चाहिए थी। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और आपको अगर कोई पॉइंट से लगा है कि नहीं यार ये चीज़ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या आपका खुद का कोई ओपिनियन होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, नए हैं तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।